झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास हेमंत सरकार पर एक बार फिर से जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार ना चल रही है और ना ही रेंग रही है, बल्कि सिर्फ सोई हुई है। पूर्व सीएम ने कहा कि उस सरकार से संवेदना की उम्मीद करना बेनामी है। दास ने राज्य की वर्तमान स्थिति पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि राज्य में बालू और गिट्टी की अनुपलब्धता राज्य के विकास को और पीछे ढकेल रही है। रघुवर कहते हैं कि साल 2020 से ना तो बालू घाटों की बंदोबस्ती हुई और ना ही पत्थर खदानों की नीलामी। इन दिनों बालू उठाव और क्रशर पर रोक लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद अवैध बालू और गिट्टी का खेल जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर दूरदर्शी सोच रखती है तो समय पर बालू घाटों की बंदोबस्ती एवं पत्थर खदानों की नीलामी की गई हो तो आज बालू गिट्टी के लिए हाहाकार नहीं होता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना समेत तमाम बड़ी योजनाएं बालू गिट्टी के अभाव में दम तोड़ रही है। बालू और गिट्टी की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हर दिन 1400 से 1500 आवास बन रहे हैं, वहीं अब ये घटकर 500 से नीचे पहुंचे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि यही आने वाले दिनों में राज्य की हेमंत सरकार रघुवर के इस बयान पर क्या पलटवार करती है।